ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर कार्ल फिशर है, मॉइस्चर टाइट्रेटर, इसके बारे में बताएंगे कैसे ऑपरेट होगा। सबसे पहले बैक में चलते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कनेक्शंस। तो यहाँ पे आपका सिलिका जेल बॉटल है, इस बॉटल में आपका तीन पॉइंट है, यहाँ से देखिए तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट को समझिए। फर्स्ट पॉइंट है ये आपका बिल्कुल ओपन है, ये जो ओपन है आपको ये ब्लैक कलर दिख रहा है पाइप बिल्कुल, यहाँ से देखिए ये आपका ओपन रहेगा बिल्कुल, ये पाइप के साथ कनेक्टेड होता है, ये ट्यूब होता है, ये आपका बिल्कुल ओपन होता है और इसके अंदर सिलिका जेल फिल करना पड़ता है, और सिलिका जेल अंदर फिल होगा तो ये आपको पाइप इसके अंदर बंद, मतलब कि इसमें वो जो सिलिका जेल के अंदर ही होना चाहिए पाइप, बिल्कुल उसमें डिप होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ही होना चाहिए पाइप, ठीक है। और आप दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट को देखिए, तो इस पॉइंट को आप देखिए कि मैंने टाइट्रेशन पोर्टल के साथ कनेक्ट कर दिया है, ये है टाइट्रेशन पोर्टल आपका, इस टाइट्रेशन पोर्टल के साथ इस पॉइंट को, एक और पॉइंट है इसको मैंने कनेक्ट किया, एक और पॉइंट है यहाँ पे, तीन पॉइंट है, तो एक पॉइंट और है जो इसको मैंने आपका टेप रिएजेंट के साथ इसको कनेक्ट किया, तो तीन पॉइंट हो गए इसके। अब इसमें आप बताते हैं केएफ रिएजेंट बॉटल, केएफ रिएजेंट बॉटल में क्या है आपका, जो ये कनेक्शंस तो आप ऑलरेडी आपका सिलिका जेल बॉटल के साथ हो चुका है, एक जो है आपका जो इसके अंदर पाइप दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर का, जो कि यहाँ से रिएजेंट इसके अंदर जो फील होगा वो रिएजेंट को यहाँ से इस पॉइंट से आएगी, इनलेट के थ्रू आएगा, और इसके अंदर मोटर होते हैं जो कि वो दूसरे एंड से आउटलेट से उसको बाहर की ओर, ये टाइट्रेशन बॉटल है उसमें आपको यहाँ से आएगा, तो इस तरह इसका कनेक्शन है। अब यहाँ देखते हैं कि ये आपका 12 वोल्ट डीसी है, अडेप्टर यहाँ पे लगते हैं इस पॉइंट पे, दूसरे ये जो है ऑन ऑफ स्विच है, मशीन को ऑन और ऑफ करने के लिए इस स्विच का यूज किया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रोड का आप देख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है ये जो इसका टाइट्रेशन बॉटल के अंदर ये डिप होता है यहाँ पे इस तरह। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कीपैड को, इस कीपैड के यूज करके हम ये आपका स्टीयर जो है उसको कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पे अभी स्टीयर चल रही है, यहाँ पे देखिए स्टीयर चल रही है, इसको हम ऑफ़ कर देंगे, फिर ऑन करना है, फिर सेम स्विच को आपको यूज करना पड़ेगा, ये चल पड़ेगा, फिर आपको ये अप डाउन वाले की है, अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ाना है तो इसको यूज करना है, कम करना है तो इसको यूज करना है। इस बॉटल के अंदर हम ड्राई मेथनॉल फील करते हैं, इसके अंदर ड्राई मेथनॉल फील करते हैं, ये जो टाइट्रेशन बॉटल है इसके अंदर हम ड्राई मेथनॉल फील करते हैं।